चलो जी। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को। चलिए जी, अब करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। और हमारा टॉपिक चल रहा था व्यंजन का। आज इस वर्ण परिचय के टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, और कल जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो संधि का होगा। कल संधि करेंगे भाई, आज इसको वर्ण वाले को करते हैं कंप्लीट। तो देखो, हमारी बात चल रही थी किसकी, व्यंजन की। व्यंजन के बाद चल रही थी हमारी, ठीक, ये जो व्यंजन है इसके अंदर हमने कहां तक कर लिया था, हमने उषम या संघर्षी वर्ण तक कर लिया था भाई। हमने बात की थी कि स्पर्श व्यंजन संख्या में होते हैं 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद स्पर्श संघर्षी वर्ण चार होते हैं, च, च, ज और झ, ये चार स्पर्श संघर्षी है। अगर खाली संघर्षी पूछा जाए, खाली उष्म वर्ण पूछा जाए, तो कौन सा होता है, श, श, स, ह। अगर स्पर्श स्पर्श साथ में लगा दे संघर्षी के, तो च, छ, ज, झ। स्पर्श ना लगाए तो श, श, स और ह, जो हमारे तीन हमारे पास शय हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। एक ये जो दुए वाला शय है, इसको बोलते हैं हम लोग तालव्य शय। उसके बाद षटकोण वाले शय को बोलते हैं मूर्धन्य शय, ठीक। और इस शय सपेरे वाले को बोलते हैं हम लोग दंते शय। इन तीनों शय को बोलने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई। अगर मैंने कहा शय शय शय, तो सुनने वाले को ये नहीं लगता कि मैडम इतना क्या ज्यादा फर्क कर दिया, सेम से लगते हैं, मतलब थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क है। लेकिन इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। ये जो दुए वाला शय, इनको हिंदी में जाना भी ऐसे जाता है, इसको तलव्य शय से पहचाना जाता है, इसको मूर्धन्य शय और इसको दंत्य शय। क्यों भाई, क्योंकि जब इस शय को बोलते हैं तो हवा का प्रेशर कहां पर रहता है, तालू पर। इसको बोलते हैं तो मूर्धा पर रहेगा, और इस शय को बोलेंगे तो हवा का प्रेशर दांतों के पीछे, स, त, हम बोलते हैं ना, तो दांतों के पीछे रहेगा। अब देखो, बात करते हैं आगे, अगली बात कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं हिंदी के अंदर, अंतस्थ वर्ण कितने हैं। तो ये चार हैं, कौन कौन से, य, र, ल और व। ये चार हमारे अंतस्थ वर्ण है, य, र, ल, व। अंतस्थ क्यों बोलते हैं, अंतः का मतलब होता है बीच में, अंतः का मतलब होता है बीच में, और स्थ का मतलब क्या होता है भाई, स्थित। ये बीच में स्थित है, ये किसके बीच में स्थित है भाई, स्वर और व्यंजनों के। ये किसके बीच में स्थित है, स्वर के और व्यंजनों के। जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं। बीच में कैसे भाई, जब इन चारों को हम लोग बोलते हैं तो ना तो इनका उच्चारण स्वरों की तरह होता, और ना ही इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह होता भाई। ना तो ये यूं बोले जाते भाई, इनको बोलते समय अपनी जीभ बिल्कुल आराम की मुद्रा में लेटी हुई है, और ना ही ऐसा है कि जीभ कहीं पर मतलब टच कर रही है, हवा अपना प्रेशर बना रही है। इनको जब बोलते हैं ना य, र, ल, व, हमारी जीभ आराम भी नहीं कर रही, हिल भी रही है, लेकिन कहीं पर वायु को रोक नहीं रही भाई। य, र, ल, व, य, र, ल, व, हमारी जीभ हिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आराम है, बिल्कुल रेस्ट है, सवर की तरह है, लेकिन कहीं पर अच्छी तरह टच भी नहीं कर रही। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। अब यहां पर मैं आपको तीन क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ये बार बार आते हैं। तीन प्रश्न ऐसे करवाऊंगी। पहला प्रश्न कौन सा है, आपसे यूं पूछ लिया जाएगा कि हिंदी में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, हिंदी में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, और स्वर का मतलब क्या होता है, स्वर, यानी कि जो आधे स्वर है भाई, जो आधे स्वर हैं। तो ये कौन से हैं, एक ये पहले वाला और एक ये बाद वाला, एक तो य और एक कौन सा व, सीधा लिख दो चाहिए, एक तो य और एक कौन सा व। ये दोनों हिंदी के अंदर आधे स्वर माने जाते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। ये हिंदी में क्या माने जाते हैं, आधे स्वर। क्यों भाई, आधे क्यों माने जाते हैं, ये है तो व्यंजन, हमने तो इनको 33 में गिना था, जब हमने वर्णमाला की तो हमने इनको किस में गिना था भाई, 33 में, मूल में गिना था। जब ये व्यंजन है तो ये आधे स्वर क्यों है, क्यों है भाई, उच्चारण की दृष्टि से। जब हम य और व को बोलते हैं तो हमारी जीभ स्वरों की तरह रेस्ट की मुद्रा में लेटी होती है, जैसे हमने कहा य व, य व,
हमारी जीभ रेस्ट कर रही होती है, कैसे? जैसे स्वर के टाइम पर करती है, यानी कि व्यंजन होते हुए भी ये लगभग 90% स्वरों की तरह बोले जाते हैं। व्यंजन होते हुए भी किसकी तरह बोले जाते हैं? स्वर की तरह बोले जाते हैं। इसीलिए इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। उसके बाद अगली बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि प्रकंपित वर्ण कौन सा है, प्रकंपित वर्ण, ठीक है ना, या तो प्रकंपित वर्ण पूछ लिया जाए, या आपसे पूछा जाएगा एक और नाम है इसका, प्रकंपित वर्ण पूछा जाए, या उषिप्त तो वो हो गया, द्विगुण हो गया, एक और नाम है इसका, ये रह है, मैं बताऊंगी आपको, ध्यान में आने दो, दिमाग से उतर गया। प्रकंपित, अच्छा नंबर तीन पर जो ले है उसको तो बोला जाता है पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण तो कौन सा है? ले है। लुंठित, हाँ लुंठित, कहना याद आ जाएगा, लुंठित, या तो प्रकंपित वर्ण कहा जाए या लुंठित वर्ण कहा जाए। लुंठित का मतलब क्या होता है? लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, लुंठित का मतलब होता है भाई लुढ़कना। प्रकंपित का मतलब क्या होता है? कंपन होना। प्रकंपित का क्या मतलब होता है? कंपन होना, कंपन होना। पहले हम इसकी बात करते हैं, सेकंड नंबर वाले की, क्या बात करते हैं कि प्रकंपित क्यों कहा जाता है रे को, रे को प्रकंपित क्यों कहा जाता है? क्योंकि रे को बोलते समय हमारे जीभ में क्या होता है? कंपन होता है। हमारे जीभ के अंदर वाइब्रेशन है ना, जीभ वाइब्रेट करती है, कैसे? र, र। अगर आप रे को बोल के देखोगे तो आपकी जीभ में कंपन होगा, बोल के देखो, ड्र, जीभ में कंपन हो रहा है। छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, हाँ बोल के देखो थोड़ा, ड्र, जीभ में कंपन हो रहा है। छोटे बच्चे खेलते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं आपस में खेलते हुए, ऐसे गाड़ी बना लेंगे और कहेंगे अपनी गाड़ी चलेगी, कैसे? ड्र, सारे मेरे पीछे लग जाओ। वो रे को क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकंपित है भाई, जीभ में कंपन होता है बोलते समय। और लुंठित का मतलब क्या होता है? लुढ़कना, लुढ़कना कैसे? जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की ओर गोल हो जाती है, जैसे बेलन गोल होता है, हमारी जीभ ऊपर की ओर उठकर वैसे गोल हो जाती है जैसे बेलन गोल होता है। जैसे र, आप र को बोलने के लिए पहले अपनी जीभ को कहां लेके जाओगे? मोड़ के ऊपर लगाओगे, देख लो चाहे बोल के, आपको र बोलना है, र बोलने से पहले आवाज नहीं आई मुंह से, उससे पहले आपकी जीभ ऊपर लगाओगे, मोड़ के लगाते हो ना, र, र, तो यानी कि जीभ बेलन की तरह क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? लुढ़कना, बेलन की तरह लुढ़कती है जीभ। जीभ किसकी तरह लुढ़कती है? बेलन की तरह लुढ़क जाती है, ठीक है। तो रे को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है भाई, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा लुंठित वर्ण बताएं या प्रकंपित वर्ण बताएं, ठीक है ना, लुंठित वर्ण बताएं या प्रकंपित वर्ण बताएं, तो ये कौन सा है? रे है। ये किताब जो लेके आई है, दो पढ़ी है, पढ़ भी रहे हो क्या इनको आप लोगों की है क्या ये? अच्छा चलो जी। उसके बाद है जी पार्श्विक, उसके बाद है पार्श्विक। पार्श्विक शब्द कैसे बना? पार्श्व, पार्श्व के पीछे एक प्रत्यय लगाया गया है, पार्श्व के पीछे एक प्रत्यय लगाया गया है, तो शब्द क्या बन गया? पार्श्विक, ठीक है। पार्श्व का क्या मतलब होता है? बगल में या साइड में। पार्श्व का मतलब होता है बगल में या साइड में, यानी कि जिनको बोलते समय, जिसको बोलते समय हमारी जो जीभ है, जीभ के बगल से क्या निकल जाती है? हवा निकल जाती है। जीभ के बगल से हवा निकल जाती है। जैसे आप ले को बोलते हो ल, तो ले को बोलते समय आपकी जो जीभ है वो मुंह के अंदर बीचों बीच अड़के खड़ी हो जाएगी। हम कहेंगे ना ल, तो जीभ मुंह के अंदर बीचों बीच अड़के खड़ी है भी ल, और जीभ कहाँ लगी हुई है? ये जो ऊपर वाले दांत है ना, जिसके अंदर ये फिक्स है, यानी कि हमारे मसूड़े, जीभ मसूड़ों को लगी हुई है। हम ऐसे बोलते हैं ल, ल, तो जीभ बीचों बीच अड़के खड़ी है। हवा कहाँ से निकलेगी? जो हमारे फेफड़ों से निकल कर आ रही है, मुंह से बाहर निकलेगी। हवा को निकलने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा? साइड से, बगल से, जीभ के बगल से हवा निकल जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। ये तीन ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। क्यों बच्चा यहाँ पर गलती करके आता है?
बच्चे को पता ही नहीं होता कौन सा वर्ण पार्श्विक है, कौन सा लुंठित है, कौन सा जो है प्रकंपित है, या कौन सा अर्धसवर है। यहां पर बच्चा गलती करता है। तो अर्धसवर दो हैं, एक तो पहला एक लास्ट वाला, ये वे ऐसे लिखा है ना हमने, य र ल व, एक तो पहला और एक लास्ट वाला, ये दोनों क्या है, अर्धसवर है। प्रकंपित या लुंठित कौन सा है, एक ही है र, उसके बाद पार्श्विक वर्ण कौन सा है भाई, ल। क्लियर। उसके बाद देखिए हिंदी के अंदर आगत या गृहित वर्ण भी होते हैं। हिंदी के अंदर आगत या क्या होते हैं, गृहित वर्ण भी होते हैं। आगत का मतलब जो बाहर से आए हैं, गृहित का मतलब जिनको ग्रहण किया गया है। आगत का मतलब क्या है, जो बाहर से आए हैं, और गृहित का मतलब क्या है, जिसको ग्रहण किया हुआ है। आगत या गृहित वर्ण भी है भी हिंदी के अंदर। बाहर से कौन से आए हुए हैं, जैसे आप लोग डॉक्टर लिखते हो तो सिर के ऊपर क्या लगाते हो, आधा चांद। ये जो आधा चांद है ना, ये हमने बाहर से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया भाई, ये हमने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है। ये हमने अंग्रेजी भाषा से क्या किया है, ग्रहण किया है। कैसे भाई, अंग्रेजी की ओ की ध्वनि के लिए हिंदी में आधा चांद लगाया जाता है ना। कैसे, जैसे आपने इंग्लिश में क्या लिखा, इंग्लिश में आपने लिख दिया डॉक्टर, इंग्लिश में आपने क्या लिखा, डॉक्टर। अब ओ दो बार आया, एक बार यहां और एक बार यहां। ये जो बाद वाला ओ है ना, ये तो साइलेंट है, ये तो क्या है, ये तो साइलेंट है ना साइलेंट, क्योंकि हम डॉक्टर थोड़ी ना बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, तो ये ओ तो साइलेंट हो गया। ये वाला जो ओ है ये एक्टिव है भाई, ये क्या है, ये एक्टिव है। तो या तो आप डॉक्टर को चिकित्सक लिख दो, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है, डॉक्टर को चिकित्सक लिख दो, जमा ठीक बात है। लेकिन आप कहते हो ना जी, हम तो डॉक्टर को डॉक्टर ही लिखेंगे, हम नहीं चिकित्सक लिखेंगे। जैसे अंग्रेजी में है ना, हम तो हिंदी में वैसे बना के लिख देंगे। तो आप ओ की ध्वनि के लिए क्या लगाओगे, आधा चांद लगाओगे। आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे हिंदी के अंदर, ऐसे डॉक्टर यो थोड़ी ना लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आधा चांद लगाओगे। किसके लिए, ओ की ध्वनि के लिए। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे टॉर्च, इंग्लिश में क्या होता है, टॉर्च। या तो इसको हिंदी में लिखो, अगर आप इंग्लिश में एज इट इज लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, टॉर्च। इस तरह से ओ के ध्वनि के लिए क्या लगाओगे, आधा चांद। इंग्लिश में क्या लिखते हो, डोल, या तो गुड़िया लिख दो, या तो क्या लिख दो, गुड़िया। ना जी, हम तो डोल को डोल ही लिखेंगे, तो फिर ओ के ध्वनि के लिए आधा चांद लगाना पड़ेगा आपको, ओ के साउंड के लिए आधा चांद लगाना पड़ेगा। जैसे बोल, तो या तो उसको गेंद लिख दो, ना जी हम तो बोल ही लिखेंगे, तो आधा चांद लगाना पड़ेगा। आप कहोगे मैडम यहाँ ओ तो नहीं है, यहाँ तो ए है, तो हम बाल थोड़ा ना बोलते हैं, अब तो बोल बोलते हो। हमें ए की कोई ठेकेदारी नहीं है, ए है, यू है, ओ है, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस बात से, साउंड से, ओ के साउंड से मतलब है। जैसे आप लोग लिखते हो ना नोटी, एन ए यू जी एच टी वाई, ये नोटी की स्पेलिंग है भाई, तो बोलने में क्या आता है, नोटी है ना, तो ओ की ध्वनि आती है। या तो इसको शरारती लिख दो, ना जी हम तो नोटी को नोटी लिखेंगे, तो फिर यू लिखना पड़ेगा। ओ की ध्वनि के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हिंदी में आधा चांद लगाना पड़ेगा। जहां पर ओ की ध्वनि के लिए हिंदी में क्या लगाया जाता है भाई, आधा चांद लगाया जाता है। ये हमने बाहर से ग्रहण किया है, बाहर से आया है, विदेशी है, विदेशी मेहमान है अपना। हम इसको अपने 52 वर्णों की वर्णमाला में शामिल नहीं करते, इसका हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे 52 वर्णों में ये शामिल नहीं है। हमने 52 वर्ण कर लिए, क्या कहीं आया ये, नहीं आया, क्यों, अपना विदेशी मेहमान है भाई। 52 वर्णों की वर्णमाला में हम इसको शामिल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद और हमने क्या ग्रहण किया, एक और किया है, एक तो जैक के पैर में ये बिंदी और एक फैक के पैर में जो ये बिंदी है, इस बिंदी को क्या कहा जाता है, इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। इस बिंदी को क्या कहा जाता है भाई, नुक्ता कहा जाता है। और ये हमने कहां से ग्रहण किया, ये हमने फारसी भाषा से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया भाई, ये हमने फारसी भाषा से ग्रहण किया है, ठीक है। तो नुक्ता का मतलब यहां पर क्या है, बल। नुक्ता का मतलब क्या है, बल है। जहां पर पैर में ये बिंदी लग जाए उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, बल देना पड़ता है वहां पर। कैसे, जैसे हमने लिखा जमीन, क्या लिखा, जमीन, या लिखा फर्जी, या फन, या फरमान, या क्या लिखा भाई, फरमान लिखा है ना, तो या लिखा जर, कोई भी ऐसा, या गजल लिख दिया, गजल। तो हम पैर में क्या लगाते हैं, बिंदी। कहां से ग्रहण किया हमने, फारसी भाषा से, ये हमने फारसी भाषा से ग्रहण किया है।
यानी कि हम लोग नुक्ता लगाने का रिवाज जो है वो फारसी में होता है और हमने हिंदी में इसको ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने बाहर से, हमने जो आगत है या गृहित है यानी कि हमारे विदेशी मेहमान हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अगर मैं बिंदी की बात करूं, कोई भी वर्ण हो बिंदी कहाँ कहाँ लगती है, थोड़ा ये भी हमें नॉलेज में होनी चाहिए बातें भी। कोई भी वर्ण हो तो बिंदी जो है वो कहाँ कहाँ लगती है। एक तो वर्ण के अगर ऊपर बिंदी लगती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, है ना। अगर कोई वर्ण हो सिर के ऊपर बिंदी लगती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अनुस्वार बोलते हैं, है ना। जैसे गंगा, मयंक, संविधान, संरक्षक, संयोग, हम लोग क्या लगाते हैं, सिर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। कंगन, संजय, संजीव, बहुत से शब्द हैं। ये क्या होती है, ये बिंदी अनुस्वार की होती है, ठीक है। अच्छा, एक बिंदी लगती है वर्ण के लास्ट में, ये बहुवचन बनाने के लिए होती है। बहुवचन बनाने के लिए कैसे, जैसे आप लोग कहते हो ना कि किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है, तो किताबों बहुवचन बनाया तो क्या लगाई, बिंदी लगाई। हमने कहा अरे मोहन बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, तो हमने क्या बना दिया, बहुवचन। जब भी बहुवचन बनाते हैं, पार्क में चार लड़के खेल रहे हैं, है के पीछे क्या आएगी, बिंदी आएगी। बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में बिंदी लगाई जाती है। एक बिंदी कहां लगती है, कमर में लगती है। किसके, क ख ग ग अंग ह, और किसी के कमर में बिंदी नहीं लगती। क ख ग घ अंग ह, और किसी के कमर में बिंदी नहीं लगती, केवल अंग के अलावा। एक बिंदी लगती है पैर में, पैर में किसके लगती है, ड के और ढ के, और किसी के नहीं लगती। क्या है भाई, डैके और ढैके और किसी के नहीं लगती। एक बिंदी लगती है थोड़ी सी आगे, ये जो थोड़ी सी आगे लगती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। दो बिंदियां ऐसे भी लगती हैं, ये क्या होता है, ये विसर्ग है। ये क्या है, विसर्ग है। हिंदी में इतने प्रकार की बिंदियों का यूज होता है जो मैंने आपको सारी के सारी बता दी भाई। हिंदी में जो आप शब्द लिखते हो, इतने प्रकार की बिंदियों का क्या होता है, यूज। हाँ मेरे से पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कोई शर्म नहीं। ये बड़ी, ये क ख ग ग अंग ह, बस एक ही वर्ण के बीच में लगती है, कमर के बीचों बीच। क ख ग ग अंग ह, इसको अंग भी बोलते हैं, अड़े भी बोलते हैं, अड़े खाली भी बोलते हैं, अंग भी बोलते हैं। केवल एक ही वर्ण के कमर में बिंदी लगती है बस, और किसी के नहीं लगती पूरी वर्णमाला के अंदर, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आपस में मत पूछा करो, मेरे से पूछा करो, क्योंकि आपके दोस्त को भी उतना आता है जितना आपको आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं खड़ी हूँ तो मेरे से पूछो। हाँ, अगर मैं ना हूं ना, आप वैसे रिवीजन कर रहे हो तो आपस में डिस्कस कर सकते हो आप, लेकिन मैं खड़ी हूँ तो मेरे से पूछो, क्योंकि आपने यहाँ पर हमसे ही ज्ञान लेने के लिए पैसे भरे हैं, ठीक है ना। चलो जी, क्लियर बात। अब देखो आगे, क्लियर, समझ में आ गया। सिर के ऊपर बिंदी लगती है अनुस्वार की, ठीक है। लास्ट में बिंदी लगती है बहुवचन बनाने के लिए। फिर कमर में बिंदी लगती है अड़े की। दो बिंदी लगती है विसर्ग की। पैर में बिंदी लगती है डे और अढ़े की। और उसके बाद एक आगे बिंदी लगती है किसकी, किसकी, नुक्ता की। ये जो डेर ढे बिंदी वाले होते हैं ना, इनसे कभी भी नया शब्द शुरू नहीं होता, याद रखिएगा इस बात को। इनसे नया शब्द शुरू नहीं होता कभी भी, नया शब्द शुरू नहीं होता इनसे कभी भी। कैसे, जैसे आपने डमरू लिख दिया, डमरू, और आपके कई बार दिमाग में आता है कि बिंदी लगाऊं कि ना लगाऊं, डे के पैर में होता है ना, कई बार बिंदी लगाऊं कि ना लगाऊं, नहीं लगेगी कदे भी। अगर आपने यहां पर बिंदी लगा दी ना, शब्द ही गलत है, रोंग, अशुद्ध शब्द है ना। जैसे आपने शब्द लिखा ढक्कन, ढक्कन शब्द लिखा, आपके मन में आता है कि ढह के पैर में बिंदी लगाऊं या ना लगाऊं, नहीं लगेगी कदे भी। तो ये कहां आएंगे, ये बीच में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। जैसे सड़क, ये बीच में आ जाएगा, फोड़ा लास्ट में आ जाएगा, रोड़ा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ना बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे बिंदी वाले, लेकिन स्टार्टिंग में कदे भी नहीं आएंगे। ये बिंदी वालों से कभी भी नया शब्द शुरू नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा हमेशा। अगर आपके पेपर में शुद्ध शुद्ध का दिया हुआ आएगा, आपके पेपर में शब्द युगम भी आता है, शुद्ध शुद्ध भी आएगा, वाक्य शुद्धि भी आ जाता है, शुद्ध शुद्ध आ जाएगा, और पैर में बिंदी लगाकर यदि कोई शब्द बना रखा हो तो देखते क्रॉस मार देना, ये तो है ही गलत, क्योंकि स्टार्टिंग से में तो बिंदी आएगी नहीं किसी प्रकार भी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो, एक होता है जी अनुस्वार, एक होता है अनुस्वार, ठीक है, एक होता है जी अनुनासिक,
एक क्या है अनुनासिक, ठीक, और एक हमारे पास शब्द क्या है निर्नुनासिक। एक शब्द क्या है निर्नुनासिक, इनमें फर्क क्या है निर्नुनासिक, इनमें क्या फर्क होता है, ठीक है। ये देखो भी, अनुनासिक अनुस्वार वो होते हैं जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है वो कौन से होते हैं, अनुस्वार वर्ण होते हैं। अनुस्वार बोलते हैं उच्चारण केवल नाक से होगा। आप कहोगे मैडम नाक से भी कोई उच्चारण होता है? बिल्कुल होता है। बोलते समय हवा नाक के रास्ते से बाहर आएगी, कैसे, लिख लेते हैं एक बार। हाँ जी, अगर आप नाक को बंद करके बोलोगे तो नाक में क्या भर जाएगी, हवा भर जाएगी। आपने कहा अलब अलब, नाक में हवा भर गई। आप नाक को बंद करके बोलो कार 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 कार, चाहे 50 बार बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अलम बोलोगे ना अलम, नाक में हवा भर जाएगी। ये जो बिंदी जहां पर आएगी ना बिंदी, नाक में हवा भरेगी, क्यों, अनुस्वार है। अनुस्वार की पहचान ये होती है कि बोलते समय हवा नाक के रास्ते से बाहर आएगी, और आपने नाक को कर लिया बंद तो नाक में हवा भरेगी कि नहीं भरेगी, भरेगी, क्योंकि उसको नाक के रास्ते से बाहर आना है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं संविधान, अगर आप कहोगे सम सम, नाक में हवा भर गई, और यो बोलेंगे विधान विधान विधान, बोले जाओ चाहे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, यानी कि जिनको बोलते समय हवा केवल नाक के रास्ते से क्या आती है, बाहर आती है। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक किनको बोलते हैं, हवा नाक के रास्ते से भी बाहर आएगी और मुख के रास्ते से भी बाहर आएगी, नाक से भी आएगी और मुंह से भी आएगी, दोनों के रास्ते से हवा बाहर आएगी, कुछ कुछ नाक से और कुछ कुछ मुंह से, ठीक है। जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, जैसे हमने क्या लिखा चांद, या क्या लिखा आंख, ठीक है, या लिख दिया अंधेरा अंधेरा, यानी कि सीधी बात है जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं वो अनुनासिक वर्ण होते हैं, वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। बोलते समय हवा नाक के रास्ते से भी बाहर आएगी और मुंह से भी बाहर आएगी। ये जो चंद्र बिंदु होते हैं ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, और जो बिंदी वाले होते हैं ना वो अनुस्वार वाले वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो आप ये देख लेना किसके सिर के पर चांद बिंदु लगा हुआ है। अगर ये पूछेगा इनमें अनुस्वार युक्त वर्ण कौन सा है, तो ये देख लेना किसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद है जी निर्नुनासिक। हवा केवल मुख्य रास्ते से बाहर आएगी, नाक का कोई रोल नहीं है, केवल मुख्य रास्ते से। जैसे जैसे हमने कहा दीवार, या कह दिया कार, या कह दिया किताब किताब, या फिर रोटी, या फिर धरती, या फिर घड़ी, अरे अनेकों शब्द हैं, अनेकों शब्द हैं। आप नाक को बंद करके भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपने कहा दीवार कार किताब रोटी घड़ी, आराम से बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि नाक के रास्ते से हवा बाहर आएगी नहीं। बोलते समय हवा केवल और केवल मुख के रास्ते से ही बाहर आएगी, केवल मुख के रास्ते से ही बाहर आएगी। तो ये तीनों प्रकार के जो शब्द हैं इनके अंदर अंतर आपको पता होना चाहिए। अनुस्वार वो होते हैं जिनको बोलते समय हवा केवल नाक के रास्ते से बाहर आती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। जिनको बोलते समय हवा नाक और मुख दोनों के रास्ते से बाहर आती है उनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। और हवा केवल मुख के रास्ते से बाहर आए तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक बोलते हैं, निर्नुनासिक बोलते हैं। क्लियर। अब देखो आगे, अब आगे बात करते हैं कि अलपप्राण महाप्राण पढ़ा है ना, अलपप्राण महाप्राण क्या होते हैं, सहघोष अघोष क्या होते हैं, 10th क्लास तक आपने खूब पढ़ा हुआ है। ये अलग बात है कि अब आपको एक भी याद नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूंगी अलपप्राण वर्ण बताओ तो आप बता नहीं पाओगे, ये एक अलग बात है कि आपको अब याद नहीं है। हम लोग इस तरीके से याद करते हैं कि आप कभी भूलो ही ना, है ना। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जब आप कोचिंग लेने आए हो तो इसका यही तो फायदा है, क्योंकि स्कूल टाइम में क्या होता है भाई, या तो टीचर ही ऐसा होता है कि जो ढंग से नहीं पढ़ाता, और कई बार टीचर बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है कि सारे टीचर ही अच्छे नहीं होते, कई बार बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि उस टाइम आपको ये नहीं पता होता कि ये हमारे काम क्या आएगा आगे। लेकिन अब आपको पता है कि अब हम एक एक नंबर के लिए फाइट में खड़े हो आप लोग, है ना, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, है ना, और भरे होंगे लाखों लोगों ने, आप लोग एक एक नंबर के लिए फाइट में खड़े हो, एक नंबर से तो आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा रुक भी जाएगा, अब आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना है भाई।
तो यहाँ पर आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते। स्कूल टाइम में तो चल ये है कि जितना आ गया ठीक है, समझ लिया ठीक है, ना समझा कोई नहीं, एक आधा नंबर कट गया तो बच्चे इतना ध्यान नहीं करते उस बात की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक नंबर तो बहुत मायने रखता है अपने लिए। तो आप करते हैं अलप प्राण महाप्राण। तो ये क्या है? ये है जी प्राणतव के आधार पर। प्राणतव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? प्राणतव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? ठीक है, प्राणतव का मतलब क्या है? प्राणवायु। प्राणतव का मतलब क्या है? प्राण वायु से है। प्राणतव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्राणतव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं अल्प प्राण, एक तो होते हैं अल्प प्राण, और एक कौन से होते हैं भाई? महाप्राण। दो प्रकार के होते हैं प्राणतव के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अल्प प्राण और एक कौन से होते हैं? महाप्राण। पढ़ा है? याद है? याद है क्या? नहीं याद? चलो अब करते हैं। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा या थोड़ी। और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु, थोड़ी वायु। महा का मतलब क्या होता है भाई? ज्यादा। और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु, ज्यादा वायु। ये है जी थोड़ी वायु, ये है ज्यादा वायु। ये थोड़ी ज्यादा वायु का क्या चक्कर है भाई? कुछ वर्ण तो ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय मुंह से वायु क्या निकलेगी? थोड़ी निकलेगी। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं मुंह से वायु क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी बोलते समय। जब आप बोलते हो ना वर्णों को, जैसे मैंने आपको कल क्या कहा था, श श स ह, मुंह के आगे हाथ रख के बोलोगे ना तो वायु ज्यादा निकलेगी, हाथ को ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। कुछ वर्ण ऐसे हैं मुंह से वायु थोड़ी निकलेगी, कुछ ऐसे हैं मुंह से वायु क्या निकलेगी भाई? ज्यादा निकलेगी। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण के लिए हम लोग यहां पर क्या लिख लेते हैं? यहां पर हां जी दिख रहा है ना, क ख ग घ और अंघ। उसके बाद लिख लेते हैं ये च छ, फिर है जी ज झ और य, ठीक है। फिर देखिए त ठ ड ढ और अण। उसके बाद त थ द ध और न, ठीक। और कौन सा रह गया? प फ ब भ और म। यहां पर लिखेंगे य र ल और व। फिर है जी श श स और ह। ये लो जी, ठीक है, हमारे पास इतने हैं भाई। अब इनके अंदर हम लोग देखेंगे अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं? तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, ये जो तीन है, पहला तीसरा पांचवा, जहां पर मैंने ऊपर एरो का निशान लगाया है, नहीं टिक मार्क लगाया, सॉरी एरो का नहीं, टिक मार्क जो लगाया है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? अल्प प्राण कौन से होते हैं प्रत्येक वर्ग का? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। तो रहा कौन सा भाई? दूसरा और चौथा रह गया। कौन सा रह गया हमारे पास? दूसरा और चौथा, यही तो बच गए इनके अंदर, ठीक है, यह हमारे पास बच गए। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। यानी कि दूसरे और चौथे वर्ण को बोलने में मुंह से वायु क्या निकलती है? ज्यादा। और पहले तीसरे और पांचवें को बोलने में मुंह से वायु क्या निकलती है भाई? थोड़ी थोड़ी वायु निकलती है। कैसे? बोल के देखते हैं। ऐसे थोड़ी ना हम लोग रट्टे थोड़ी ना मारने हैं, रट्टे मारने के लिए थोड़ी ना आप लोग कोचिंग ले रहे हो। जैसे हम लोगों ने क्या बोला, अगर आप मुंह के आगे ऐसे हाथ रखकर बोलोगे क ग अंग, तो हाथ को वायु तो लगेगी पर हल्की सी, देखो वायु तो लगेगी। उसके बाद अगर हम बोलेंगे ख घ, तो वायु क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है ना। आपने कहा च ज य, वायु थोड़ी लग रही है। अगर हमने कहा क्या कि छ झ, वायु हाथ को क्या लग रही है? ज्यादा। भाई बोल के देखने में कोई शर्म नहीं है, आपको सीखना है। शर्म करने के लिए और बहुत जगह होती है, अगर जो शर्म करो तो सीखने में कोई शर्म की बात नहीं। आप पढ़ने के लिए बैठे हो, बोल के देखो, है ना,
चाहे आप ऑफलाइन बैठे हो या ऑनलाइन जो मेरी क्लास देख रहे हैं, आप बोल के देखिए, आपके हाथ को वायु थोड़ी लगेगी पहले तीसरे पांचवे को बोलते समय, और दूसरे और चौथे को बोलोगे तो वायु क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। बताओ है कि नहीं लग रही ना? फिर आप यूं भी समझ सकते हो, पहला तीसरा पांचवा वर्ण है ना, आप एक सांस में इसको कई बार बोल सकते हो। कैसे? जैसे मैंने कहा आराम से 15-16 बार बोल लोगे। अगर आप दूसरे वाले को बोल लोगे ना, इतनी बार बोल नहीं पाओगे। कैसे? बस फेफड़ा खाली हो गया। क्यों? जो चीज ज्यादा मात्रा में यूज होती है वो जल्दी खत्म होती है। वायु ज्यादा मात्रा में यूज हो ली, जल्दी होगी जी खत्म। अगर आप इनको बोलोगे, आप बोल दो चाहे जैसे आराम से 15-16 बार बोल लोगे, आराम से। इसको नहीं बोल पाओगे, आप बोल के देख लो, फेफड़ा खाली हो गया। ठीक है ना? फेफड़ा क्या हो गया? खाली हो गया। फेफड़ा खाली हो गया क्योंकि ये क्या है हमारे, ये तो अल्प प्राण है, और ये जो मैंने सर्कल लगा रखा है ये हमारे क्या है, ये हमारे महाप्राण वर्ण है। ठीक है? अब इन चारों को हमने क्या कहा था? उष्म वर्ण। उष्म क्यों कहा था? वायु क्या निकलती है? ज्यादा। तो ये ज्यादा वाले में रख दो, श श स ह, ये क्या है? महाप्राण। बच गए कौन से? य र ल और व, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं, क्योंकि ये उष्म वर्ण है भाई, वायु ज्यादा निकलती है। ये उष्म वर्ण है, वायु क्या निकलती है? ज्यादा। और ये क्या है? वायु क्या निकलती है? कम। य र ल व, वायु इनके अंदर से कम मात्रा में मुंह से बाहर आती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? आ गया ना? अब देखो जो सारे स्वर हैं, अब ये आप मुझे बताओगे कि अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण, बोल के देखो स्वर के बारे में मुझे बता दो। बोल के देख लो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे बोलो ए आ, ये क्या तरीका है बोलने का? ये बोलो अ आ ई ई, ऐसे बोलो। अल्प प्राण है या महाप्राण? सारे स्वर एक में आएंगे, चाहे अल्प प्राण हो चाहे महाप्राण हो, आएंगे एक में। महाप्राण कैसे? बोलते समय हवा ज्यादा निकल रही है मुंह से बाहर, तो आप उ उ उ ऐसे क्यों करे? ऐसे बोलो ना, अ आ उ उ, फिर री ए ए ओ औ। आपको बोलने का तरीका ही नहीं है ना, दो दिन हो गए आपको बोलने नहीं आया ना अभी तक। आप इस तरह से बोलो अ आ ई ई उ उ उ उ, बोलते हो तब भी हवा ज्यादा बाहर नहीं निकलती। होठों क्या करते हैं, भले गोल हो जाए पर वायु बाहर ज्यादा नहीं आएगी। उसके बाद री ए ए ओ औ, हाथ को वायु हल्की हल्की लग रही है, बिल्कुल मामूली मामूली। यानी कि जो हमारे सारे स्वर हैं, जो हमारे इरेज़र ये, फिर ठीक है, सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है? उसके बाद देखो आगे घोष्टों के आधार पर, आगे क्या है? घोष्टों के आधार पर। ठीक है? घोष्टों के आधार पर, घोष्टों क्या होता है? घोष्टों होता है स्वर तंत्रियों में, घोष्टों क्या होता है? स्वर तंत्रियों में स्वास का कंपन, स्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में स्वास का कंपन, ये हमारा क्या है? स्वर तंत्र है, ये हमारा सारा स्वर तंत्र है। अगर इसके अंदर हमारी सांस कहीं पर जोर डालेगी, सांस में कंपन होगा, तो वो होंगे सघोष, और नहीं तो क्या होंगे? अघोष। दो प्रकार के होते हैं ये, होते हैं जी दो प्रकार के, एक तो होते हैं अघोष और एक कौन से होते हैं? सघोष। मैंने आपको ये बताया था कि जहां भी मूल शब्द से पहले अ आ जाए किसका भाव बताएगा? नहीं का। नहीं घोष यानी कि कंपन नहीं होता, सघोष कंपन होता है ना? अघोष कंपन नहीं होता, सघोष कंपन होता है। अब देखो पीछे वाले में देखो, यहां पर एक मिनट ठहरो। अब देखो
प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। और प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा जो पांचवा है ये क्या होता है? ये सघोष वर्ण होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम पहले और दूसरे को बोलते हैं, ये दस है हमारे पास, बोलते समय कोई जोर नहीं आएगा। कैसे बोलोगे? क ख च छ ट ठ त थ प फ। लेकिन इनको बोलेंगे जोर आएगा, ग घ अंघ ज छ य ड ढ ण, ठीक है ना, द ध न ब भ म। इनको बोलते समय हमें स्वर तंत्र पे जोर आएगा, जोर पड़ेगा। ये मुंह ही मुंह में बोले जाएंगे, क ख च छ ट ठ त थ प फ। तो इसलिए आप कैसे करोगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। और तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष वर्ण होता है हमेशा। इनको आपको भले ही एक बार बोर्ड पे देखते हैं, अब आप समझ रहे हो, आपको याद नहीं होगा। देखो, एक बार देखने से कोई चीज याद नहीं होती। दिमाग कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है कि जितना देख लिया सारा का सारा डाटा फीड हो गया। एक दो बार पढ़ोगे घर पे, प्रैक्टिस करोगे, है ना, इनके जो है अल्प प्राण महाप्राण के थोड़े क्वेश्चन निकाल के देखोगे, तब जाकर समझ में आएगा। आपके पास, सबके हाथों में मोबाइल है, आपके पास गूगल महागुरु है, आप उसके अंदर टाइप कर सकते हो कि जो है सघोष अघोष के प्रश्न, आपके पास ढेरों प्रश्न आ जाएंगे, अल्प प्राण महाप्राण के क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, जरूरत है प्रैक्टिस करने की, आपका अपना मन होना चाहिए पढ़ने का, बाकी साधन आपके पास सारे हैं। पहले तो यूँ होता था कि मोबाइल नहीं था तो किताबों के सहारे थे, किताब है तो पढ़ ली, नहीं किताब है तो कहाँ से पढ़े, भी नहीं बेसा खरीद के ले आओ। लेकिन अब तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसके अंदर किसी के भी प्रश्न निकाल सकते हो। मैं आपको संधि करवाऊंगी, टाइप करो संधि के क्वेश्चन आंसर, पूरी सीरीज निकल कर आएगी, कितने प्रश्न आंसर करके, कितने मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, निरे संधि के क्वेश्चन आ जाएंगे, निरे आपके अलग प्राण महाप्राण के क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन मन होना चाहिए पढ़ने का, बस सबसे बड़ी बात यही है। अगर आपने फीस भरी है, यहाँ पर पैसा लगाया है, तो उसका बेनिफिट लो। जो भी काम करो 100% करो अपना, ये नहीं कि चलो फीस भर दी, यूँ पागलपन में बैठे रहे, अपना झोला उठा के आगे घर से जाके गिर दिया, माँ में तो पड़ी आए चूर दे चूरमा बाजरी रोटी का, है ना। तो खाओ पियो और मस्त रहो और पढ़ो, अपना दोनों काम होने चाहिए। खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है, है ना, पढ़ो लिखो, हर चीज़ लाइफ के अंदर ज़रूरी है। ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद आपने किताब ही नहीं खोलते। शाम को अपना जरूर दो, दो तो ये टेस्ट सीरीज निकालो जो मैं आपको हर रोज़ बोलती हूँ। अपनी किताब ले लो मार्केट से, कोई भी बढ़िया किताब, दो टेस्ट सीरीज डेली निकालो, दो पेपर तो निकालने निकालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके चार सब्जेक्ट हैं, जितना चारों में पढ़ाया ना एक बार जाके देखो सारा। नहीं समझ में आता, अगले दिन हमें आके बोलो कि मैडम ये आपने कल करवाया था, मेरे को थोड़ा कम समझ में आया, दोबारा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा करवाऊंगी, दोबारा बताऊंगी आपको वो सारी चीज़ें, वो मेरा काम है, ना बताएं तो हमारी गलती है। हाँ, तुम ना पूछो तो फिर हमें अंतर्यामी थोड़ी ना है, हमें ये थोड़ा ना पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या समझ में आया क्या नहीं आया। वो तो आप आके बताओगे ना हमें कि मैडम ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, कल मैं क्वेश्चन पेपर कर रहा था मैडम और ये वाला प्रश्न है इसमें मैं अटक गया, इसका क्या आंसर आएगा ये बताओ मेरे को। तो ये आपका काम है पूछने का। चलो जी, अघोष होता है पहला और दूसरा, और सघोष कौन सा होता है? तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। उसके बाद जो आपके तीनों शय हैं, शय शय और शय, ये क्या होते हैं? ये अघोष वर्ण होते हैं। इनको बोलते समय हवा जरूर ज्यादा निकलती है मुंह से बाहर, लेकिन स्वर तंत्र पर कंपन नहीं होता। शय 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 मुंह मुंह में बोले जाएंगे, शय शय शय, कोई जोर नहीं आएगा बोलते समय। लेकिन ये जो हमारा रह गया य र ल व, और इनके साथ है भी था, अब है यहां पर आ जाएगा। इसको बोलने में जोर आता है को बोलने में, यहां जोर पड़ता है य र ल व ह, इसको बोलने में जोर आता है। अब जो सारे स्वर हैं, सारे स्वर क्या हैं? सघोष हैं। सारे स्वर सघोष हैं। कैसे याद करोगे? जब नाम ही स्वर तंत्र है तो सारे स्वर क्या आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। इस तरह से याद कर लो, जब नाम ही स्वर तंत्र है तो सारे स्वर किसके अंदर आ जाएंगे? सघोष के अंदर आ जाएंगे। क्लियर बात, समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखो, आप पेपर में कैसे करोगे? आपको कि मैडम जी पेपर में कैसे करेंगे ये बताओ हमें। जैसे पेपर में आपके आ गया द, द आ गया, और आपको ये कहेगा द अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो कैसे याद करोगे? यू देखो, ये कौन से नंबर पे आता है? त थ द, तीसरे नंबर पर आता है। तो तीन वाली संख्या क्या है? अल्प प्राण है। आप कहोगे ना जी हमें तो कौन याद हो इस तरह, तो कैसे याद करोगे? एक और तरीका बताती हूँ। एक, तीन और पांच, ये तीनों क्या है? विषम संख्या है, है ना, और ये दोनों क्या है? सम संख्या है कि नहीं? मैथ में करते हो ना ओड और इवन का, करते हो मैथ के अंदर।
ये तो तीनों विषम संख्या है, ये दोनों क्या है? सम संख्या है, ठीक है ना। विषम संख्या को क्या बोलते हो इंग्लिश में? ओड बोलते हो क्या इवन बोलते हो? ओड। इसको क्या बोलते हो? इवन बोलते हो, ठीक है। तो ये याद करो, ये विषम संख्या मैथ के अंदर थोड़ी होती है। आप कहोगे ना जी बराबर हो जी, लेकिन यहां पर अपने ट्रिक बनानी है, ट्रिक कि विषम संख्या मैथ में क्या होती है? थोड़ी। और सम संख्या मैथ में क्या होती है? ज्यादा। जो किसी से भाग चली जाए वो ज्यादा होती है, और जो भाग ना जाए वो कम होती है। ट्रिक बनानी है अपने, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? यहां पर द क्या है? तीसरे नंबर पर आता है। तीन क्या है? एक विषम संख्या, और विषम संख्या क्या होती है? थोड़ी। विषम संख्या क्या होती है? थोड़ी। तो द क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए ए गोस है कि से गोस है, सीधा तरीका है, अरे पहला और दूसरा ए गोस है और बाकी लाइन में सारे तीसरा चौथा पांचवा ये से गोस है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे ये से गोस है। आ गया ना? बिल्कुल। अब देखो, आपसे यूं पूछ लिया जाए ख, ख क्या है? अल्प प्राण है या महाप्राण है? कौन से नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पे। कौन से नंबर पर आता है? सेकंड। और दो क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? ज्यादा। तो ये क्या है जी? महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण है। अब ए गोस है कि से गोस है? ए गोस है। पहला दूसरा क्या होता है? ए गोस। तो आप क्या कहोगे? ये ए गोस वर्ण है, सीधी बात है, ये ए गोस वर्ण है। पेपर में ऐसे करना आपको, आपको यो देखना कौन से नंबर पर आता है। जैसे पूछ लिया मैं अल्प प्राण है कि महाप्राण है, नंबर देखो कौन सा नंबर है? पांचवे पे आता है, प फ ब भ म। मैं क्या आता है? पांचवे पे। पांच क्या है? एक विषम संख्या है, और विषम संख्या मैथ में क्या होती है? थोड़ी। तो फिर क्या कहोगे? अल्प प्राण है जी। और ए गोस है कि से गोस है? से गोस है। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? से गोस वर्ण होता है। अब बताओ कर लोगे ना? बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। इसमें तो जोर ही नहीं आएगा करने में। ये ए अगर कोई भी पूछ लिया अल्प प्राण है महाप्राण है से गोस है कि ए गोस है, हाँ पढ़ना पड़ेगा, घर जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ने पहले कहा ना जी हमें तो याद ही नहीं है कि हमने ये कभी किया भी है। इसका मतलब आपने, आपको यूं लगा कि हमने तो पहली बार ही समझाइए। तो इसके आपको क्वेश्चन निकालो, करके देखो। कोई भी आपके पास हिंदी ग्रामर की बुक है उसके पीछे कोई टेस्ट वगैरह दिया है वो करके देखो, उसके अंदर क्वेश्चन है कि नहीं है। इसको याद करोगे तो हो जाएगा, है ना। करने से क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। अब इसके बाद आगे हमारे पास एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर क्या रह गया? उच्चारण स्थान। ये लास्ट टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उच्चारण स्थान संख्या में नौ है। जो उच्चारण स्थान होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं भाई? नौ होते हैं। उच्चारण स्थान संख्या में नौ है। उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। स्थान का मतलब जगह भाई, वर्णों के बोलने की जगह, उच्चारण करने की जगह कौन सी है मुंह के अंदर? तो जगह तो वो ही है, कंठ है, कोई तालु है, कोई मुर्दा है, कोई दांत है, कोई ओष्ठ है, कोई नासिका है। तो ये नौ प्रकार के होते हैं। ये होते हैं जी नौ प्रकार के। कल करें फिर इनको, क्योंकि अब तो आपका टाइम भी हो चुका है और आज मेरे ख्याल से आपका काफी इसके अंदर डाटा जो हो चुका है, ठीक है ना, काफी डाटा भी हो चुका है। तो कल आप कहोगे जी मैडम संधि बिल्कुल करवाएंगे, ये जो उच्चारण स्थान है ये सिर्फ काम है 10 मिनट का, 10 मिनट का काम है उच्चारण स्थान का, ज्यादा नहीं है। 10 मिनट के बाद हम लोग कल संधि का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल स्टार्ट करेंगे जी संधि का टॉपिक 10 मिनट के बाद। क्लियर? चलो जी।